कितनी गहरी साइकिल कर रखी है, टांग अंडे में टूट गई मेरी यार। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं नहीं खरीद लेता। हाँ, मोटरसाइकिल मत ले लिए भाड़ो। पैसे बिना मेरे पास मोटरसाइकिल कैसे खरीद लूं? टैरी फटा पड़ा। भाई साहब इधर फोकस करना जरा, कैमरा लेके देखना। रुक जाओ, कहाँ है? अबे साले तू भी चमकदार। हाँ ये रहा, देखना कहाँ से मोटरसाइकिल ला दो, टायर में फटा पड़ा है आका। ए भगवान कोई आइडिया दे दे मुझको जल्दी से, मैं कुछ कर सकूँ जिससे कि ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे हल्की चले, कुछ सपोर्ट दे, पीछे धक्का ही मार दे कोई। तो आइडिया आइडिया, थैंक यू भगवान, थैंक यू। समर एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान से देखिए इन दोनों मोटरों को, दोनों 775 मीटर। तो एक पर चलते हैं। तो दोस्त यहाँ पर मैं आज बिल्कुल न्यू आइडिया लेकर आया हूँ। ऐसा आइडिया आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। चले फ्रेंड, दोनों फर्क समझा दो कि आपके पास होता है जो मेरे पास है। देखिए इसमें चूड़े बनी हुई है, थ्रेडिंग यानी कि बोल्ट है इसकी शाफ्ट में। और दोस्त ये देख सकते हो ये हाफ कट है, वैसे राउंड में हाफ कट लगा हुआ है। अब आते हैं स्प्रोकेट पर। फ्रेंड्स ये आपको गरारी स्प्रोकेट जो साइकिल की शॉप होती है रिपेयर वाली, वहाँ पर बहुत ईजिली मिल जाएगा 10-15 रुपये का। देखिए अगर आपके पास हाफ कट वाला मोटर है तो आप एमसील एल टाइल लगा इसे चिपका सकते हो। आगे चलते हैं। मेरे पास दोस्त ये चूड़ी वाला है, देख सकते हो उसमें बोल्ट लगा हुआ है, नट लगाने पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स ये शाफ्ट छोटी पड़ रही है। तो ये इसके बॉर्डर देख सकते हो ना, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे मशीन से ख़त्म करता हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप किसी भी स्क्रू ड्राइव गर्म करके, किसी पत्ती को गर्म करके इसे निकाल सकते हो। देखिए यहाँ मैंने निकाल दिया, किसी सैंड पेपर से घिस सकते हो, रब कर सकते हो। तो देखिए अब ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा, ये बिल्कुल प्लेन हो चुका है, मतलब हवाई जहाज नहीं, प्लेन वाला प्लेन सरफेस। अब दोस्त यहाँ पर बनाते हैं इसका स्टैंड, जो 775 मोटर का स्टैंड होता है, ये देख सकते हो, इसे ब्रैकेट भी कहते हैं या होल्डर भी कह सकते हैं। तो देखिए ये काफ़ी मुझे लुल्लू सा लग रहा है, नाजुक लग रहा है। 1.45 mm का अप्रोक्स 1.5 mm का मान लेते हैं, हमें थोड़ा धांसू चाहिए बाहुबली टाइप का। तो ये 2.20 अप्रोक्स 2.25 mm का है, और जितना मोटर उसकी चौड़ाई का अप्रोक्स मैंने ले लिया है, और 7 सेंटीमीटर लंबा मैंने ले लिया है। फटाफट मैं इसे कट कर लेता हूँ। लीजिए कट हो चुका है, और मैं इसे बिल्कुल थोड़ा प्लेन कर लूँगा। और अभी रुको जरा रुको, अभी बहुत सारे जुगाड़ करने हैं। तो मोटर की देख सकते हो चौड़ाई बराबर मैंने मार्क अप्रोक्स यहाँ लगा लिया है, मिड सेंटर निकाल लेता हूँ। और आपको यहाँ पे एक चीज़ मिली, देखिए ये जो दोस्त का रिंग टाइप का बना हुआ है, बैरिंग फिक्स है, ये मुझे इसके अंदर लगाना है। देखिए 17.43, भैया वाह 17.43। तो दोस्त यहाँ पर मैं अप्रोक्स 10 mm की रेडियस ले रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए एक सर्कल बना लिया है। बड़ी मुश्किल से मैं इसे कट कर लूँगा। अगर आपके पास इतना बड़ा ड्रिल बिट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं सोचा निकाल लूँगा इसे और सीधा कर लूँगा। ये हो गया। अभी इसमें और काम करने हैं। अब मैं इसमें होल करना है जहाँ पर मैं इसे बोल्ट लगा के इस मोटर को रोक सकूँ। तो मैं इस तक सबसे सिंपल तरीका आप ऐसा करिए, और यहाँ पर 5 mm के मैंने 2 होल कर दिए हैं। अब क्या है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट से जब लेकर आते हो उसमें थोड़ा राउंड होते हो ऊपर, जिससे दोस्त पैर में ना लगे, चुभे नहीं, किसी के ना लगे। तो मैंने इसे थोड़ा राउंड में करके यहाँ से कट कर दूंगा, जिस थोड़ा सा अच्छा लगे। अभी मार्केट से बना, आप देखिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आपको आ रही होंगी, फीलिंग्स मतलब थोड़ा थोड़ा लुक इसका आ रहा होगा। तो चलिए दोस्त अब क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है, इस पर रस्ट लगा हुआ है, तो मैं इसे बिल्कुल चमका देता हूँ, इसे बिल्कुल हीरा लाल हीरो बना देता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने स्टील का ही बना दिया हो गलती से, मतलब कि गलती नहीं बनी हमने। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का अब मैं चलाऊँगा, बहुत अच्छी तरह से फिक्स आ रहा है, बहुत मजबूत हो गया है, अब ये लुल नहीं रहा। तो यहाँ तक काम खत्म हो चुका। अब चलते हैं गियर पर। देखिए फ्रेंड्स ये गियर है, ये 2 वाशर हैं। वाशर इस पर आपको जरूर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्त एक तो ये सेंटर में रखेंगे, ऊपर से इसकी लाइफ लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप तो वाशर नहीं लगाओगे मोटर घूमेगा, ये मेल्ट हो जाएगा प्लास्टिक का हीट होकर। तो इस तरह देख सकते हो। और यकीन भाई भाई मैंने वाशर बनाया नहीं है, मार्केट से ऐसे ही मिल गए। आप गियर लेकर जाइएगा हार्डवेयर शॉप पर, वहाँ पर आपको ईजिली इस शेप के वाशर मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसका चैन कवर खोलकर इसे फिट करते हैं। तो दोस्त प्लीज बने रहिए, फिट किस तरीके से करना है जो 100% वर्केबल हो अभी आपको बताऊंगा। देखिए आपको इस तरीके से चैन पर लगाना है, और जहां पर आप पैर रखते हो पैंडल पर, वहां आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना है। चैन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। देखिए अभी लग चुका है, थोड़ा सा और ऊपर उठाना है। पहले थोड़ा घुमा के देख लेते हैं। देखिए जिसका गियर है अच्छे से घूम रहा है, ठीक है, आप सीधा आगे से घुमा के देख सकते हो, और थोड़ा मार्क लगाइए। और मार्क लगाने से यह फायदा होगा कि आपको पता लग जाएगा अभी कितना ऊपर लगाना है, कितने बैंड करना है। देखिए यहाँ से पहले सारी चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो मार्क लगा था इसे फ्रेंड्स यहाँ से मुझे 90 डिग्री एंगल पर बैंड करना है। और बैंड करते करते मेरा ही बैंड बच गया, लेकिन फ्रेंड्स इज्जत पे आंच नहीं आने दी, बिल्कुल मार्केट जैसा बनाया है। देख सो यहाँ पर जो हमारा गियर है, मतलब हमारे गियर जो प्लास्टिक गियर है, इस पर मैं स्टेगो लगा थोड़ा वाशर चिपका देता हूँ। देखिए इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और ये इसे बिल्कुल सेंटर में पकड़ कर रखेंगे जो गियर है। चलो फ्रेंड्स इसे फटाफट फिट कर लेते हैं, मैंने पकड़ कर रखेंगे ये बोला था ही। तो देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स इसे यहाँ पर लगाते हैं। तो भाई यकीन मानिए इसे फिट करना है और भाई यहाँ पे वेल्डिंग मेरी उंगली जल गई। खैर कोई नहीं, मर्द के दर्द नहीं होता, बेइज्जती बेशक हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मोटर लग चुका। अब आते हैं इसकी बैटरी पर। तो दोस्त देखिए आप ये वाली बैटरी यूज़ करें जो कि बहुत आसानी से रिचार्ज हो जाती है, आसानी से मिल भी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स आपको मेरी आदत की पता है, मैं लैपटॉप की बैटरी यूज़ करता हूँ। तो दोस्त इसके कई कारण है। एक तो लाइट वेट होती है, बहुत अच्छा बैकअप देती है। अब देखिए तीन यहाँ पर सीरीजों में बैटरी लगाने वाला हूँ। ये फ्रेंड्स 2 एमपी की एक बैटरी मानिए। ऐसा करने से 12 वोल्ट रहेंगी, लेकिन फ्रेंड्स के एम्पीयर इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए नेगेटिव 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 इनका जोड़ दूंगा और पॉजिटिव पॉजिटिव इनका तीनों को मैं जोड़ दूंगा। अब ये 6 एम्पीयर 12 वोल्ट की बैटरी बन चुकी है। मैंने काफ़ी बार बताया अपनी वीडियो में। और दोस्त इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको BMS जरूर लगाना पड़ेगा अगर आपकी लंबी लाइफ चाहते हो या सेफ तरीके से रिचार्ज करना चाहते हो। और इस पर मैंने वीडियो बना दी है कैसे आप इससे कनेक्ट करें। मैं वीडियो को लास्ट एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, वरना आप इस बैटरी या किसी और बैटरी का यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स मैं इस बैटरी को फिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे चाहिए स्पीड कंट्रोलर। देख सकते हो ये 12 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट पर वर्क करता है। और ये आपको मस्ट इस टॉप पर जो मैं लगा रहा हूँ इस पर आपको जरूर चाहिए। कनेक्शन इसके ऊपर सारे लिखे हैं, फटाफट मैं कनेक्शन कर देता हूँ, आपको बताऊंगा भी। और यहाँ पे दो शॉर्ट सर्किट ना हो क्योंकि मेटल में नीचे टकरा जाएगा। तो मैं यहाँ पर एमडी बोर्ड या कोई भी आप प्लास्टिक शीट का पीस लगा सकते हो और इस तरह थंब से अपने अंगूठे से इससे कंट्रोल कर सको मोटर की स्पीड। मैं इस पर टेप लगाता हूँ और टेप से फ्रेंड्स ये फायदा होगा कि ये यहाँ पर फाट ऊपर भी हो जाएगा। और देसी जुगाड़ वाले तरीके से मैं इस टेप को काट भी देता हूँ, दांतों से काटने वाला मजा आता है, टेस्ट आ गया। तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक एमडी बोर्ड है, मैं इसे इस तरह लगाऊंगा और यहाँ पर मैं अभी फिलहाल इसे टेप से लगा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर बैटरी रख रहा हूँ। आप बैटरी के लिए कोई बॉक्स बनाएं, कभी पता लगे बैटरी सारी फुर हो गई, छुर हो गई, गायब हो गई। चलिए कनेक्शन कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगाया, जो यहाँ पे एक मैंने नेगेटिव लगाया है। अब यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रेंड जो दो वायर निकले हमारे, यहाँ पर मैं डीसी सॉकेट लगाने वाला हूँ। एक एलईडी जो कि 5 mm की है, 1K का रेजिस्टेंस और एक आयन 4W7 का एक डायोड। इसे फ्रेंड देखिए मैं किस तरह से लगाया। देखिए ये इसका नेगेटिव वायर देख सकते हो और जो रेजिस्टेंस है ये इसका पॉजिटिव वायर है। और ये डायोड देख सकते हो जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये लग रहा है सीधा पॉजिटिव में। देखिए और ये सिल्वर की लाइन है, ये बच रही नहीं, यहाँ पर आपके बैटरी को वायर लगेगा। इससे फ्रेंड्स बेनिफिट ये होगा कि पावर ये जब भी जलेगी इंडिकेटर जब ये रिचार्ज होगी बैटरी, तो आपको पता लग जाए हाँ ये रिचार्ज हो रहा है। चले फ्रेंड्स ये रिचार्ज कैसे करें ये भी जान लेते हैं। काफ़ी लोग मुझसे कहेंगे क्योंकि इसमें मैंने BMS नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स मेरे पास ये पावर सप्लाई जो कि सेफ है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। 12.6 वोल्ट पर फुल मानी जाएंगी। तो वैसे मैंने फुल चार्ज पहले कर दी थी और अप्रॉक्स 1 एम्पर से मैंने रिचार्ज कर रहा हूँ। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसे लगाऊंगा और ये रिचार्ज वैसे मैंने फुल कर दी। देखिए इंडिकेटर ऑन हो चुका है। तो 12.6 पे क्योंकि फ्रेंड्स ये फुल रिचार्ज है इसलिए नहीं हो रही। देखिए मैं थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए रिचार्ज होनी सो जाएंगे। देखिए अभी रिचार्ज हो रही है। तो अगर आप इन्हें रिचार्ज करें 12.6 वोल्ट पर ये फुल रिचार्ज हो जाएंगी। चले फ्रेंड्स यहाँ तक काम हो चुका, आप इस अच्छे रिचार्ज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये सेफ नहीं है, आपके हाथों में लग सकता है, पजामा आपका आ सकता है, जूते की फीत आ सकते हैं, पजामा। तो कोई नहीं, मैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस चैन कवर को फिट करूंगा और इसे इस तरीके से कट करके फिट करूंगा जिससे फ्रेंड्स आपका चैन कवर भी खराब ना हो और सेफ हो जाए। आपका पजामा पैंट नाड़ा वाड़ा कुछ भी चैन के अंदर ना आए, जिससे फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल्दी मैं इसे फिक्स करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स ये भी फिक्स हो चुका है। अब दोस्त मैं आपको अच्छी तरह से टेस्ट करके दिखाऊंगा। प्लीज़ फ्रेंड्स बने रहिए बहुत अच्छी तरह से। जिस दोस्त मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ भी चीज़ बनाता हूँ आपको अच्छी तरह टेस्ट करके दिखाता हूँ, आपको पता लग जाए दोस्तों कितना बेनिफिट है, कैसे आपके लिए यूजेबल है। स्पीड से कंट्रोल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स थोड़ा बाहर चलते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो फ्रेंड्स कनेक्शन बहुत ईजी है, मोटर के जो वायर है सीधा गए हैं स्पीड कंट्रोल में, स्पीड कंट्रोल वायर सीधा गए हैं यहाँ पे बैटरी पर। और यहाँ पे कोई आप बॉक्स लगा सकते हो, कोई दूसरी टाइप की बैटरी लगा सकते हो, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ तक होगा सिंपल। और फ्रेंड्स एक बात और, आप सोचोगे समर भाई तूने क्या लगाया। दोस्त ये सपोर्ट के लिए हैं, ये जो आप मोटर देख सकते हो ना, जब आप चलाओगे तो ये और सपोर्ट देगा। इससे आपकी जो साइकिल है, ये साइकिल का जो मजा है वो स्मूथ होगा। इलेक्ट्रिक साइकिल भी है और आप इसे पैडल से भी चला सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से चलाता हूँ, मोटर देखिएगा अभी मोटर चल नहीं रहा। अभी देखो मोटर चलेगा लेकिन मैं इसकी स्पीड नहीं बढ़ाई की। अब मैं देखो इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। देखिए पैडल भी साथ चल रहा है इसके। 8 स्पीड देखेगा। अब मैं स्पीड देखो कम करता हूँ, यानी कि मोटर को मैंने रोक दिया। देखिए पैडल रुक गया। अब मैं पैडल चलाता हूँ, देखिए पैडल चल रहा है, ठीक है। तो वैसे फ्रेंड्स अगर ये प्लास्टिक की जगह थोड़ा मेटल का हो जाए तो बहुत भाई साहब मज़ा आ जाएगा। फिलहाल मैं आने वाले समय में जल्दी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और जुगाड़ में लेकर आऊँगा। आप अच्छी तरह जानते हो जहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है। जैसे फ्रेंड्स आप जो है साइकिल को स्मूथ करता है, यानी कि आप चलाओगे पेंडल मारोगे साइकिल काफ़ी स्मूथ चलेगी आपकी। लेकिन दो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप पेंडल रोकोगे मानना तो इसको भी आपकी स्पीड कम करनी होगी, फिर से बंद करना होगा, वरना फ्रेंड्स कहोगे ये चलता रहेगा यहाँ से रुक जाएगा क्योंकि इसके साथ ये पेंडल को चला रहा है। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और बिल्कुल मोटर स्टेम स्टॉप है, मैंने मोटर की स्पीड को नहीं छेड़ा है। और देखिए अब मैं साइकिल चलाता हूँ तो देखिए मोटर की स्पीड पर या मोटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे और स्मूथ चलानी है साइकिल तो मैं यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा, तो कुछ दम मैं लगाऊँ कुछ दम मेरा मोटर लगाएगा, तो यहाँ पर साइकिल काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। मैं चलाता हूँ इसे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है ये। अब मैं थोड़ा यहाँ पर मोड़ लेता हूँ, ज़्यादा दूर निकल जाऊँगा वरना कैमरामैन हमारे ढूंढते रहेंगे हमें। तो देखिए तो आप लंबी यात्रा के बाई चांस आपने बहुत दूर जाते हो, जैसे साइकिल से लोग सफ़र करते हैं, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है और काफ़ी मज़ा भी आपको आएगा। यकीन मानिए काफ़ी स्मूथ साइकिलिंग का मज़ा हो जाता है, यानी कि काफ़ी स्मूथ चलती है साइकिल और बहुत सिंपल जुगाड़ है, ठीक है। आने वाले समय दोस्त मैं और जुगाड़ करूँगा साइकिल में, जिससे कि और 2 या 3 मोटर लगाऊँ। सिंपल सी बात आप जानते हो एक मोटर साइकिल नहीं चला सकती, इसलिए सपोर्ट में लगाया गया है। ये 100% सक्सेसफुल जुगाड़, आप इसका यूज़ कर सकते हो। आगे मानो जल्दी ही और मोटर का यूज़ करूँगा साइकिल में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ मुझे बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं।